अस्सलामु अलैकुम एटेक के मौजूद सामीन, खुश आमदीद। कुल्लुस उस्मान की किस्त नंबर 129 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उस्मान काफ़रों के उस लश्कर पर हमला करता है जो तकफर वालेंस की मदद को आ रहा होता है। दोनों लश्करों के दरमियान खूब लड़ाई होती है और दोनों का काफ़ी नुकसान होता है, मगर बिलाखिर उस्मान उन पर काबू पा लेता है और उनको वादे शिकस्त देता है। लेकिन उस्मान के सिपाही शदीद ज़ख्मी होते हैं। उस्मान उनकी देखभाल करता है और उसके सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे होते हैं और ज़ख्मी सिपाहियों को उनकी देखभाल के लिए यानी शहर ले जाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फातिमा मंगोलों के कब्ज़े में आ गई है और मलहून खतून और इसीगुन खतून और दीगर सिपाही मंगोलों से लड़ रहे होते हैं और फातिमा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नईमान फातिमा को अकेला देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो बुरान अल्प नईमान पर हमला कर देता है और उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, मगर नईमान बुरान अल्प को शदीद ज़ख्मी कर देता है। इतने में एक मंगोल सिपाही फातिमा को पकड़ कर मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मलहून खतून चिल्लाती है और वो दौड़ कर आती है और मंगोल सिपाही की गर्दन काट देती है और फातिमा को कहती है कि बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ, और फातिमा माँ की बात मानकर वहाँ से भागने लगती है। मगर नईमान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर फिर से फातिमा का ताकुब शुरू कर देता है, जिसे देखकर इसरीगुन खतून मलहून खतून से कहती है कि तुम फातिमा की तरफ जाओ, हम इधर संभाल लेंगे। फातिमा मुसलसल आगे की तरफ भाग रही होती है और मुड़ मुड़ कर पीछे मंगोलों की तरफ भी देख रही होती है। इतने में वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है और एक मंगोल सिपाही उस पर तलवार से हमला करने लग जाता है। वो फातिमा को मारने ही वाला होता है कि बाला खतून उस पर तीर चलाकर उसे कत्ल कर देती हैं और फातिमा बाला खतून की तरफ देखती है। बाला खतून और उसके सिपाही मुसलसल तीर चला रहे होते हैं। एक तीर नईमान को भी लग जाता है। तीरों की बौछार की वजह से नईमान और उसके सिपाही पसपा हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं। बाला खतून और मलहून खतून फातिमा को मिलती हैं और उसे अपने गले लगा लेती हैं। मौजूद सामीन, इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान यानी शहर पहुंच चुका होता है और वहाँ उसे मलहून खतून बताती है कि फातिमा मौजूद नहीं, वो कहीं चली गई है, जिस पर वो बहुत गु़स्सा होता है और फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। बिलाखिर वो उन तक पहुंच जाता है और फातिमा भागकर उस्मान साहब के गले लग जाती है और उस्मान उसे बहुत प्यार करता है और पूछता है तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। इसके बाद वो मलहून खतून को गले लगाता है और बाला खतून के बारे में पूछता है और फिर वो नईमान के ताकुब में निकल पड़ता है, जबकि बाला खतून नईमान तक पहुंच चुकी होती है। नईमान अपने नौकरों को हमला करने का कह देता है और उस्मान भी इस जंग में शामिल हो चुका होता है। वो उस्मान भी अपनी तलवार से नईमान को काबू कर लेता है और उसको खूब मारता है, जिसके बाद नईमान हंसता है और इसरीगुन खतून की तरफ देख कर कहता है कि मुझे गज़ान खान बचा लेगा, मगर इस पर उस्मान को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ रियासत भी मैं हूँ और सरदार भी मैं हूँ और मेरा ही हुक्म चलेगा, और इसके बाद इसको घसीट कर यानी शहर की तरफ ले जाता है और वहाँ इसको तख्तेदार पर बिठा कर लोगों से कहता है, लोगों इसे देखो, इसने हमें बहुत जलील किया है, आज इसका आखिरी दिन है। और इसके बाद बग़ैर किसी हिचकचाहट के उस्मान उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और एक ही झटके में नईमान का सर कलम कर देता है और फिर लोगों से कहता है कि देखो हमारे दुश्मनों का यही हाल होगा, और उसके बाद अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करते हैं सब लोग। सामीन, किस्त नंबर 129 में बुरान अल्प और इसरीगुन खतून की कुराबत को भी दिखाया जाता है। इसरीगुन खतून बुरान अल्प को एक कीमती तोहफा देती है जो कि खंजर होता है, जिसे लेकर बुरान अल्प देखता है और फिर इसरीगुन खतून का शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि तकफर वालेंस चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है और अपने खुदावंद से अपनी जीत की दुआ कर रहा होता है, जबकि उस्मान अपनी प्यारी बेटी फातिमा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है,
जो रोते हुए उस्मान को लिपट जाती है और पापा पापा पुकारती है। और फिर दिखाया जाता है कि वालिद शहनशाह अंदरून कोस के पास फौज मांगने के लिए गया होता है और अपने खुफिया मंसूबे भी तश्कील दे रहा होता है। सामईन, किस्त नंबर 129 के अख्ताम पर समंदर के किनारे पर होने वाली एक जंग की झलक दिखाई जाती है कि कैसे उस्मान सरदार और उसके सिपाही तकफर वालिंस की करारगाह का मुहासरा कर रहे होते हैं। इतने में दो सिपाही तकफर वालिंस की करारगाह में आते हैं और अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर वो तैश में आकर उनका सर कलम कर देता है, जिसे देख कर उस्मान मुस्कराता है और कहता है कि काफिर हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहें और ख़त्म हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये थी किस्त नंबर 129, और किस्त नंबर 130 जो कि आखिरी किस्त है वो बड़ी कमाल की होगी।